इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। हरीश रावत और कोश्यारी का भयंकर झगड़ा। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव का माहौल है, जहां पूरे चरम पर सियासी खींचतान है, वहीं नेताओं की जुबानी जंग हर दिन तीखी होती जा रही है। और इस जंग में शब्दों के सबसे ज्यादा बाण चल रहे हैं हरीश रावत और भगत सिंह कोश्यारी के बीच। दोनों नेता अपने बयानों से एक दूसरे की छीछालेदर करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। इसकी शुरुआत की भगत सिंह कोश्यारी ने। हरीश रावत पर तंज कसते हुए कोश्यारी ने कहा कि हरीश रावत को हारने में मजा आता है। वो 5 बार लोकसभा और मुख्यमंत्री रहते हुए 2 सीटों पर चुनाव हार चुके हैं। यही नहीं, उन्होंने हरीश रावत को एकलू बानर तक कह दिया, जिसके अपनी टोली के बंदरों से हमेशा झगड़ा होता रहता है। पहली बात यह है कि मैं राहुल जी ने, सॉरी हमारे हरीश जी ने, जो राहुल जी ने बयान दिया है उसके लिए उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। हरीश रावत जी के नेतृत्व में वो अपने को हनुमान कहने लग गए, बानर कहने लग गए, उसने स्वीकार कर लिया है। तो हरीश रावत रूपी हनुमान ने पूरी लंका स्वयं की जलाई। पहले तो हनुमान ने दूसरे की लंका जलाई, इन्होंने अपनी लंका जला दी। पहले सतपाल गए, फिर उसके बाद हमारे यशपाल गए, फिर क्या है भगोड़ा गए, क्या कितने लोग चले गए। जब उन्होंने अपनी लंका खुद जला डाली है तो मैं सोचता हूँ कि अब तो हरीश रावत जी अगर वास्तव में बानर हैं तो उन्होंने एक कुआं में और एक गढ़वाल में बंदरबाड़ा शुरू किया था, उस बंदरबाड़े में उनको हम इस इलेक्शन के बाद डाल देंगे। वहीं भगत सिंह कोश्यारी के तंज पर हरीश रावत ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई। कोश्यारी ने भगत सिंह को एकलू बानर कहा तो जवाब में हरीश रावत ने उनको भीगा हुआ घुघुतिया कह दिया। हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी ने भरत सिंह के पंखों पर इतना पानी डाल दिया है कि वो अब किसी काम के नहीं रहे। भगत दा को भी तो कुछ कहना है, भाजपा ने उनमें इतना पानी डाल दिया है, वो भीगे हुए घुघुते लग रहे हैं। भीगे हुआ घुघुत हो ना, जब पानी बरस जाए तो घुघुत जो है पानी छप छप हो जाए और वो ये सी दिखाई दी। तो भाजपा ने जो है हमारे भगत दा को भीगा हुआ घुघुता बना दिया है। इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।